हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला और आप देख रहे हैं कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज की इस ट्यूटोरियल में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक्स बताने जा रहा हूं, अगर जो आप उस ट्रिक्स को अपनाते हैं तो जब भी आपको कॉल आएगी तो हर बार न्यू रिंग टोन बजेगी, या फिर अगर जो कोई मैसेज आता है या फिर अगर जो कोई आप अलार्म लगाते हैं तो जितनी बार भी वो आएंगे अलार्म बजेगा उतनी बार आपको नया रिंग टोन सुनने को मिलेगा। दोस्तों, अगर जो आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं कि अगर जो आपने अभी तक हमारा कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहां पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, इस पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, साथ ही साथ जो आप यहां पर बेल का आइकन देख रहे हैं आप इस पर भी क्लिक कर लीजिए। अगर जो आप इस पर क्लिक कर लेते हैं तो हम अपने चैनल पर जितने भी वीडियोज अपलोड करेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको ईमेल के द्वारा मिल जाएगा। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर एंड्रॉइड, व्हाट्सएप, फेसबुक, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेट बैंकिंग, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि से रिलेटेड वीडियोज अपलोड की गई हैं। आप इन्हें देख सकते हैं और कुछ नया सीख सकते हैं। और दोस्तों, अगर जो आप योग के स्टूडेंट हैं या फिर योग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप यहीं से हमारा योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हैं और वहां पर भी आप कई सारे योग, हेल्थ, मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम उस ट्रिक्स को यूज कर लेते हैं। तो इसके लिए ओपन कर लेता हूं मैं सबसे पहले अपना गूगल प्ले स्टोर। और अब इसके ओपन होते ही हमें यहां पर सर्च बार में एक एप्लीकेशन टाइप करनी है जिसका नाम है रैन ट्यून। दोस्तों, यहां पर आप देख रहे होंगे हमारे सामने यहां पर एक एप्लीकेशन नजर आ रही है, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। और इसके बाद आप यहां पर देखेंगे कि जो एप्लीकेशन है हमारे सामने यहां पर दिखाई दे रही है। दोस्तों, ये एप्लीकेशन मैं यहां पर इंस्टॉल कर चुका हूं, इसका साइज लगभग 2 MB का है, तो आप भी इसे इंस्टॉल कर लीजिए। तो इसके लिए मैं यहां पर अब ओपन कर लेता हूं और इसके बाद इसे देख लेते हैं कि किस तरह से इसे एक्सेस करना है, यूज करना है। दोस्तों, इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे सामने यहाँ पर कॉल, मैसेज और अलार्म तीनों चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और दोस्तों, अगर जो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने यहाँ पर प्लेलिस्ट यहाँ पर सेट करने के लिए दिखाई जा रहा है और यहाँ पर हमें अपनी म्यूजिक यानी कि अपनी प्लेलिस्ट यहाँ पर ऐड करनी है। दोस्तों, इसके बाद हमारे सामने जो प्लस का आइकन है हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और इसके बाद हमारे सामने यहाँ पर एक प्लेलिस्ट यहाँ पर क्रिएट करने के लिए बताया जा रहा है। तो मैं यहाँ पर एक प्लेलिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर फिलहाल यहां पर लिख लेता हूं A to Z और उसके बाद यस। और इसके बाद हमारी जो प्लेलिस्ट जो हमने क्रिएट की थी उसके अंदर हम यहां पर ओपन है। इसके बाद हमें यहां पर अपना म्यूजिक यहां पर ऐड करने हैं। तो जो भी म्यूजिक, जो भी रिंगटोन हम यहां पर ऐड करना चाहते हैं तो हम उन्हें यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आप यहां पर देखेंगे कि हमारी जो फ़ोन स्टोरेज है वो यहां पर दिखाई दे रही है। इसके बाद हम यहां पर अपने म्यूजिक यहां पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहां पर MP3 यहां पर जाता हूं और इसके बाद यहां पर मैंने कुछ म्यूजिक रख रखे हैं वो सब के सब मैं यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद हमें यहां पर सेलेक्ट डायरेक्टरी, इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करते ही हमारे जो 3 म्यूजिक थे वो सब के सब हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं। हम यहां पर प्ले इनको कर सकते हैं। दोस्तों, अगर जो हमें सिर्फ एक ही म्यूजिक अगर जो ऐड करना है तो हम यहां से कर सकते हैं और अगर जो हमारे जो ये म्यूजिक को जो क्लियर करने हैं तो हम यहां पर क्लियर लिस्ट, इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, इसके बाद मैं यहां पर बाहर आ जाता हूं और इसके बाद हमारे सामने यहाँ पर अलार्म है तो हम यहाँ पर अलार्म भी सेट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इसको भी रहने देता हूँ और इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं अपने कॉल्स पर। यहाँ पर हमें अपनी प्लेलिस्ट यहाँ पर ऐड करनी है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कॉल्स इसको इनेबल कर लेता हूँ और अगर जो हमें SMS पर भी या कुछ न्यू रिंगटोन लगानी है तो हम यहाँ पर इसको भी इनेबल कर लेंगे अलार्म भी। और इसके बाद हमें यहाँ पर अपनी प्लेलिस्ट यहाँ पर चूज़ करनी है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हमारी जो प्लेलिस्ट थी, जो हम म्यूजिक हमने जो प्लेलिस्ट में रखे थे वो सब के सब हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो म्यूजिक जो हमने A to Z फोल्डर में रखे थे वो सबके सब म्यूजिक यहाँ पर ऐड हो जाएंगे और हर बार नया म्यूजिक यहाँ पर हमें सुनाई देगा। इसी तरह से हम यहाँ पर SMS और अलार्म पर भी सेट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर जो आप इसका जो फ्री वर्जन लेते हैं तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेलिस्ट ही यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और अगर जो आपको यहाँ पर इससे ज़्यादा कुछ प्लेलिस्ट ऐड करनी है तो आप इस एप्लीकेशन को यहाँ पर बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप सीख चुके हैं कि किस तरह से हम हर न्यू कॉल्स पर अलग अलग रिंगटोन सेट कर सकते हैं, अलार्म सेट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, जिससे कि हमारा हर अपडेट आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, अगर जो आपके पास हमारे लिए कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर भेजिएगा। तो दोस्तों, कहीं जाएगा नहीं, बने रहिए कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल के साथ और सीखते रहिए और देखते रहिए कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल। थैंक्स।